आज नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा हड़केखाल स्थित जाजू सागर बांध का औचक निरीक्षण करने पहुंची। उनके साथ जलकल सभापति छाया जायसवाल और स्वच्छता सभापति धर्मेश पुरोहित भी मौजूद रहे। नीमच शहर में जल वितरण को लेकर शहर की जनता परेशानी में है। इसी के मद्देनजर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने निरीक्षण के दौरान जाजू सागर बांध के पंपिंग स्टेशन पहुंचकर इस बात की तह तक जाने का प्रयास किया कि समस्या की वजह क्या है और ये कैसे दूर हो सकती है। पंपिंग स्टेशन पर मौजूद ऑपरेटर और पार्षदों से बात कर ये पाया कि वोल्टेज की परेशानी को देखते हुए यहां ट्रांसफार्मर चेंज करने की आवश्यकता है। साथ ही पानी सप्लाई हेतु अधिक हॉर्स पावर की मोटरें भी होना आवश्यक है। यहां मोटर उठाने की गैंट्री भी राउंड सिस्टम में होना पाया गया। पंपिंग स्टेशन पर मोटर की नई केबलों की भी जरूरत है। स्वाति चोपड़ा ने अपने अमले के साथ पुराने पंपिंग स्टेशन का भी जायजा लिया। डॉग हाउस जिसमें लगभग 20 से 22 कुत्ते हैं वहां का और कुत्तों के नसबंदी केंद्र का भी अवलोकन किया। वहां बंद पड़ी नगरपालिका की डॉग वैन को लेकर भी उपस्थित कर्मचारियों से चर्चा की। नीमच के नजदीक स्थित जाजू सागर बांध को बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भी ये निरीक्षण का दौरा महत्वपूर्ण था। स्वाति चोपड़ा ने निरीक्षण के दौरान जाजू सागर बांध के बगीचे डैम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यहां निर्मित हो रहे बाउंड्री वॉल के बारे में चर्चा की। चौकीदारों से बात करते हुए साफ सफाई और घास फूस और वृक्षों की कटाई छंटाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चौकीदारों ने हड़केखाल डैम के प्रवेश मार्ग पर लाइटें बंद होने के बाद भी नगरपालिका अध्यक्ष के सम्मुख रखी। डैम के ऊपर तक जाने हेतु सीढ़ियों के ना होने, यहां घूमने आने वालों के लिए बैठक हेतु सीमेंट की कुर्सियां टेबल के जर्जर होने पर इसे सुव्यवस्थित करने हेतु वहां मौजूद सभापति और पार्षदों से चर्चा की। बांध के लिए जाने वाले मार्ग पर संकेत बोर्ड की कमी भी स्पष्ट तौर पर नजर आई। इस अवसर पर आलोक सोनी, योगेश कविश्वर, रूपेंद्र लोक्स, विष्णु राठौर, शशि कल्याणी और अरुण प्रजापति भी डैम पर मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। शहर की प्रथम नागरिक नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा आज हड़केखाल डैम पर औचक निरीक्षण पर पहुंची और औचक निरीक्षण करते हुए उन्होंने यहां की कमियों को देखा, यहां की समस्याओं को जाना। साथ ही साथ वो यहां पर स्थित पंपिंग स्टेशन भी पहुंची, यहां पर जो कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं उनसे बात की, डैम पर उन्होंने मालियों से, चौकीदारों से बात की और उनके साथ नगरपालिका के पार्षद, सभापति, जलकल विभाग की सभापति सभी लोग मौजूद थे। आइए बात करते हैं कि औचक निरीक्षण के दौरान स्वाति मैडम ने क्या क्या कमियां पाई। मैडम, किस प्रकार की कमियां पाई और आज औचक निरीक्षण की क्या आवश्यकता पड़ी? पिछले कुछ दिनों से हमारे पास कंप्लेन आ रही थी कि पानी को लेकर समस्या है और इसीलिए हम यहां पर आए हैं। वोल्टेज की समस्या मेन आ रही है जिसकी वजह से पानी का सप्लाई थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर आके हमने ये पाया कि एक तो मेन तो अभी किसान जो है सिंचाई का समय है तो इसलिए वोल्टेज जो है यहाँ कम मिल पा रहा है और ये कुछ ही 15-20 दिन की समस्या और है। उसके बाद यहाँ पर हर साल की तरह वापस पानी की समस्या दूर हो जाती है, पर हम ये चाहते हैं कि महीना दो महीना भी हमारी जनता, हमारे शहर की जनता क्यों परेशान हो। इसलिए हम यहाँ पर देखने आए हैं और इसका जो समाधान है वो हमें यही मिला है कि अगर यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए तो जो बहुत सालों से ये समस्या आ रही है उसका निराकरण हो जाएगा। तो एक हमको वो बात करनी थी। दूसरा, यहाँ पर हम चाहते थे कि क्योंकि जो पंप हाउस है वहाँ का मेंटेनेंस भी चेक करना चाह रही थी मैं, और हमारे साथ हमारे सभापति भी आई हैं, जलकल की छाया जी भी हैं, सारे मेरे पार्षद भाई साथ में आए हैं कि क्यों जनता परेशान है। यहाँ पर हमने देखा कि कुछ दो मोटरें चल रही है पर एक मोटर ख़राब पड़ी है। तो अगर देखा जाए कि अगर एक मोटर और ख़राब हो जाती है तो क्या दो मोटर ख़राब होने के बाद तीन में से एक मोटर पर क्या हम पानी सप्लाई कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए हमको पहले से ही प्रोएक्टिव होकर ठेकेदार को हम नोटिस देना चाहते हैं कि आप जो ख़राब पड़ी मोटर है उसको भी ठीक कराइए ताकि आने वाले समय में किसी को भी कैसी भी दिक्कत ना आए। कुछ गार्डन की व्यवस्था को लेकर भी बात हुई है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जगह है हड़केखाल। हम चाह रहे हैं इसको आने वाले समय में बहुत अच्छा डेवलप करें, एक पिकनिक स्पॉट जो नीमच में जिसकी कमी है, हम चाह रहे हैं कि इसका कुछ अच्छा वृहद योजना लाकर इसको अच्छा प्लान बनाएं। मैडम, पिकनिक स्पॉट के रूप में आप हड़केखाल को डेवलप करना चाह रही है तो इसको कैसे बेहतर रूप दिया जा सकता है, इसकी कोई योजना आपने बनाई है? देखिए, अभी तो हमने ये सोचा है कि कोई अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे कंसल्टेंट हम हायर करें और ऐसा कुछ लेकर आएँ, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट लाएँ जिससे जनता को, एक नीमच में कोई जगह नहीं है एकदम से जाने के लिए पिकनिक स्पॉट, पारिवारिक मनोरंजन के, सोच समझ के कोई अच्छा प्लान ला के डेवलप करना चाह रहे हैं। देखा गया अभी टेबलें वगैरह टूटी हुई है, थोड़ा डैम तक जाने के लिए सीढ़ियों जैसी आवश्यकता भी महसूस होती है, क्या कहेंगे?
जी, जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी कुछ 2.5 महीने पहले, तो यहाँ पर सारी जालियाँ टूटी हुई थी, तो मुझे वो एक रिस्क ही लगा फैक्टर। तो हमने तभी हाथे वहाँ जालियाँ सारी ठीक करवाई, जो डैम के आसपास पूरी जालियाँ हैं वो अभी एकदम अच्छी हो गई हैं। अब धीरे धीरे हम चेयर्स के साथ साथ कोई ऐसी प्लानिंग जैसे लैंडस्केपिंग हो जाए, ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स हो जाए। मुझे भी बताया कि चौकीदारों ने भी कि यहाँ पर जब लोग ऊपर चढ़ते हैं तो कभी कभार किसी का पैर स्लिप हो जाता है, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम स्टेयर्स की प्लानिंग, कुर्सियों की प्लानिंग, जो गार्डन है उसको अच्छा कराएँ, जो रोड है, जो एंट्रेंस गेट है, हम चाहते हैं कि इसका एक अच्छा सुंदर रूप बन के तैयार हो जाए। संकेत बोर्ड जैसी छोटी सी चीज़ भी उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया है कि संकेत बोर्ड भी यहाँ लगने चाहिए हड़कियाकाल के आने का जो रास्ता है गार्डन का, तो वो हम धीरे धीरे प्रोसेस में लाकर एक पूरी अच्छी प्लानिंग बनाकर सारा काम करना चाह रहे हैं। जलकल विभाग की सभापति हैं आप, आपने यहाँ पर निरीक्षण में क्या पाया? निरीक्षण में हमने देखा बहुत कमियाँ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से सुधार भी है। पॉपुलेशन बहुत बढ़ने के कारण जो कमियाँ आ रही है उसको भी हम निरंतर मैडम को भी बताया, अध्यक्ष जी को, हमने सबने देखा है, आज विचार भी किया है कि आगे इसके लिए ट्रांसफार्मर की हम स्वीकृति लेकर के आगे बढ़ाएंगे उसको, और जो कमियाँ आ रही हैं उसको हम पूरी करेंगे। साथ ही जो आपने बोला है कि एक साइन बोर्ड लगना चाहिए, वो बहुत जल्दी लग जाएगा। रोड भी वहाँ की डैम का जो गार्डन है उसके वहाँ रोड भी अच्छी बना दी जाएगी, और जो कमियां हैं उसको रेगुलर सतत आकर के हम लोग सभी पार्षद और अध्यक्ष मैडम और हम उसको सुधार करेंगे। 930 HP की मोटरें लगी हुई है अभी, उसके बावजूद नीमच में पानी सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। 930 की तो लगी है वो तो सही है, लेकिन क्या हो रहा है अभी पानी सप्लाई के लिए खेतों में ज़्यादा हाई वोल्टेज लग रहा है, उसमें खपत हो रही है, उससे वोल्टेज डाउन हो रहा है, नहीं तो इतनी मोटर से पर्याप्त सप्लाई हो रही थी पिछले समय में। ये 15 दिन से हमको ये दिक्कत आ रही है, आगे और बस 10 दिन की समस्या है, उसके बाद रेगुलर जो हम चाहते हैं कि पब्लिक को पानी तो खूब है, सिर्फ वोल्टेज की प्रॉब्लम के कारण हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपको ये मौका नहीं मिलेगा, ना जनता को हम तकलीफ देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ये दिक्कत आ रही है उसके लिए हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और ट्रांसफार्मर लगते ही ये समस्या सॉल्व हो जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि पिछले समय में अगर ये हो जाती समस्या सॉल्व तो आज अपने को ये समस्या देखने को नहीं मिलती। शशि जी, अभी निरीक्षण के दौरान ये देखा गया कि जो बाउंड्री वॉल का ठेका दिया गया है उसमें जो आप बात कर रहे थे तो उसमें कोई प्रॉपर उत्तर नहीं दे पा रहे थे, कोई व्यक्ति जवाबदेही लेने को तैयार नहीं था, क्या कहेंगे, क्या आपकी बातचीत हुई? जैसा कि हम शहर के प्रथम नागरिक और सभापति गण के साथ हम औचक निरीक्षण के लिए बतौर निगरानी दल के यहाँ आए, और आपने देखा है मेरा कन्वर्सेशन चल रहा था, जो यहाँ पर प्रीकास्ट बाउंड्री के तौर पे बनी हुई है, जो हम एक पिकनिक स्पॉट की तरह इस पार्क को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ नगरपालिका के माध्यम से प्रीकास्ट की बाउंड्री और उस पर पुताई का ठेका दिया गया था। जब मैंने यहाँ कार्यरत श्रमिकों से बातचीत करी तो वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने जो नंबर दिए वहाँ मैंने बात करी तो उन्होंने बताया मुझे कि हमें पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर ठेका मिला है, मेन कॉन्ट्रैक्टर है, आप उनसे चर्चा कीजिए। तब मैंने मेन कॉन्ट्रैक्टर जो अग्रवाल प्रीकास्ट के हैं, जो भी अग्रवाल साहब हैं, शायद विवेक अग्रवाल बताया उन्होंने, उनसे चर्चा करी तो वो भी प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाए, उनको ये पता नहीं है मेरे को कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, सिर्फ उन्होंने मेरे को फ़ोन पे चर्चा के दौरान बताया कि हमें तो जैसा दिशा निर्देश हमारे जो उपयंत्री महोदय हैं OP परमार साहब, वो जैसा दिशा निर्देश देते हैं उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये व्यवस्था और प्रबंधन की भी तो कमी दिखाई देती है। बिल्कुल, उसी के औचक निरीक्षण के लिए हम यहाँ पर हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं क्या होना चाहिए और प्रबंध क्या हो पा रहा है, उन दोनों के बीच में जो विसंगति है, असमानता है, उसको हम सुधारने के लिए, उसका सुपरविजन करने के लिए बतौर निगरानी दल यहाँ पर आए हैं, और हम सभी एक सामूहिक प्रयास से इस व्यवस्था और प्रबंधन को सुधारने का प्रयास करेंगे, ऐसे हम प्रयासरत हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर सूद लेने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष अपने सभापतियों के साथ पंपिंग स्टेशन पे आई, हरक्याखाल डैम पर पहुंची, यहाँ की समस्याओं को जाना। अब देखना यह है कि ये केवल निरीक्षण तक सीमित रहता है या इसको अमली जामा पहनाकर यहाँ पे जो कमियाँ पाई गई है उसको सुधार किया जाता है। वॉइस ऑफ MP के लिए पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।